फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यार अभी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। और नॉर्मल एवर्ट क्या है कि अभी जो मेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ही यानी दो दिन से कंटिन्यू हैवी रेनफॉल हो रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी भी कंटिन्यू है बारिश। और काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो आपका पठानकोट मंडी हाईवे है वो बंद है अभी, बिकॉज़ काफ़ी जगह स्लाइडिंग हो चुकी है कांगड़ा में, नगरोटा में यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वो रोड काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार कि जो चक्की पुल है, ठीक है, जो पठानकोट और हिमाचल को जोड़ता है यानी जो रेलवे लाइन है, तो वो भी पुल बह चुका है अभी चक्की में, जो कि पठानकोट और पठानकोट टू जोगिंदर नगर रेलवे लाइन आती है एकमात्र, तो वो पुल बह चुका है। और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी दो दिन से कंटिन्यू, नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आगे उसके आगे जो आपका चंबी जगह है गब्बल से और इसमें शापर में आती है ये चंबी, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, दुकानें वगैरह को भी काफ़ी नुकसान हुआ, दुकानें वगैरह भी टूट फूट गई हैं, बह गई है वहाँ भी। और रोड में काफ़ी ज़्यादा मलबा पत्थर वगैरह आ गया है, तो उस करके वो वाला रोड अभी बंद है और काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप अभी सोच भी रहे होंगे पठानकोट से इसमें आने का, तो अभी एक दो दिन कंटिन्यू बारिश है, तो प्लीज़ मत आएँ अभी, बिकॉज रोड वगैरह अभी बंद है। और खुल भी जाएंगे फिर भी स्लाइडिंग्स वगैरह हो ही रही हैं, पत्थर वगैरह गिर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो और आगे आपका जो नगरोटा में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, घरों में घुस गया पानी वहाँ भी। और वहाँ पे मसल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ भी पानी चल गया, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यानी वो खड्डों का पानी जो है वो घरों में और रेजिडेंस एरिया में जा चुका है वहाँ भी, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस वजह से। और जो वहाँ पे मछियाल है नगरोटा में, वहाँ भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी है आ चुका है और नुकसान भी हो रहा है वहाँ पे भी। और एक दो जगह अभी चंबा चुवाड़ी में भी मकान मलबे में दब मलबा आ गया मकान के अंदर और मलबे में वो दब गया है, और वहाँ भी दो तीन बंदों के मारे जाने की अभी आशंका बताई जा रही है। तो और बाकी अनदर जगह भी जो लिंक रोड है वहाँ भी वो भी काफ़ी ज़्यादा बह चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो यानी काफ़ी ज़्यादा भी नुकसान ये दो दिनों के अंदर अंदर यहाँ कांगड़ा में हो चुका है। बट अभी धर्मशाला क्या बताऊँ, तो यहाँ पे इतनी बारिश तो नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली बारिश है। और जो नीचे कांगड़ा है, कांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है अभी ये दो दिनों के अंदर अंदर, और अभी भी बारिश कंटिन्यू है। तो आई होप कि आगे कुछ ऐसा ना हो। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो अभी दो तीन दिन अभी ज़रा रुक जाएँ, बारिशें थोड़ी नॉर्मल होने दें और जो रोड वगैरह अभी वो चालू होने दें, क्योंकि नगरोटा में जो आपका रोड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मलबा आ चुका है, यानी वो पूरा ही 100 मीटर का एरिया पूरा ही यानी वो मलबा मलबे में दब चुका है रोड सारा ही, तो अभी उसको भी क्लियर करने को टाइम लगेगा। और बाकी कई कई जगह रोड तो वैसे ही धस गए हैं, तो उनको भी दोबारा रिपेयर करने में टाइम लगेगा अभी, तो अभी 1 वीक तक थोड़ा रोडों को रिपेयरिंग होने में टाइम लगेगा। एंड बाकी फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।